आजम खां के मुकदमों की पेशी के बाद आजम खां को भारी सुरक्षा में रामपुर कोर्ट से सीतापुर ले जाया गया। इस मौके पर सरकारी अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि दो जन्म प्रमाण पत्र और शत्रु संपत्ति वाले मामले में बहस हुई, जिसमें 7 तारीख नियत कर दी गई है। तंजीम फातिमा और दो और की जमानत प्रार्थना पत्र डाला गया था, जिसमें 7 तारीख फिर लगाई गई है। 7 तारीख को इसमें फैसला आएगा। आज जो थे दो मामलों में दो जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी और उसमें एक मामला जो था दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर था और दूसरा मामला शत्रु संपत्ति को लेकर था। जो शत्रु संपत्ति का मामला है वो थाना अजीम नगर से संबंधित है और दूसरा जो दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मामला था, जो दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो जमानत प्रार्थना पत्र था उसमें मैडम तंजीन फातिमा के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई हुई और जो है आगे जो भी जमानत प्रार्थना पत्र हैं उसमें 7 तारीख नियत की गई है, 7 में पुनः जो है वो जमानत पर सुनवाई होगी। तो और जो शत्रु संपत्ति से संबंधित अजीम नगर थाने का प्रकरण है उसमें हमने एक पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन दी है कि जो फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं उसमें इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस कहाँ कहाँ और किस प्रक्रिया के तहत जो है वो फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं, क्योंकि वो मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो जो मैडम तंजीम फातिमा की जो जमानत प्रार्थना पत्र थी उसमें क्या फैसला हुआ? उसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, दोबारा फिर 7 तारीख को उसमें सुनवाई होगी। क्या लोग हाजिर हुए थे आज? आज दो लोग हाजिर हुए, जेल शिफ्टिंग वाले मामले और सीतापुर जेल शिफ्टिंग वाले मामले में। सीतापुर जेल शिफ्टिंग वाले मामले में फिलहाल तो उन्हें सीतापुर जेल भेजा गया है और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उसका अभी निस्तारण होना शेष है।